देखो, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि उसमें आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि आप माखनलाल चतुर्वेदी से यदि डीसीए पीजीडी से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेंटर कहाँ पर मिलेंगे, कैसे आप अपने स्टेट और अपनी सिटी में सेंटर को ढूंढ पाएंगे, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और डीसीए और पीजीडी से रिलेटेड बहुत अच्छी आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, mcu.ac.in माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको जाना है एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूट पर। यहां पर है सर्च स्टडी इंस्टीट्यूट ऑप्शन, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दिया गया है क्लिक हियर टू सर्च एसोसिएटेड आईटी कंप्यूटर और मीडिया इंस्टीट्यूट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अब हम पहुंच चुके हैं अपने डीसीए और पीजीडीसीए के सेंटर को ढूंढने के लिए कि किस प्रकार से हम ये जानकारी लें कि हमारे सिटी में कौन कौन से सेंटर है। तो इसमें इंस्टीट्यूट का टाइप आपको सेलेक्ट करना है आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है आपकी, हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, हमने रैंडमली कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, और सिटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कोर्स, तो हम डीसी और पीजीडी से सर्च करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर पीजीडीसीए दे दिया, और उसके बाद सर्च करेंगे तो उस क्षेत्र में देखिए एक ही इंस्टीट्यूट है। यदि इसी प्रकार से आप यहाँ से जा कर के और यहाँ से चेंज करेंगे डिस्ट्रिक्ट, हमने दूसरी डिस्ट्रिक्ट डाल दी, हमने भोपाल ही डाल दिया है ना, और भोपाल में हमने जो है सिटी को भी भोपाल सेलेक्ट कर लिया। तो हम देख लेते हैं कि भोपाल में कौन कौन से कितने इंस्टीट्यूट हैं। देखिए सभी भोपाल में इंस्टीट्यूट हैं, और भी नेक्स्ट पेज में जाकर के हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी सिटी में देख सकते हो कि कौन से डीसीए पीजीडी से करने के इंस्टीट्यूट है। एक तरीका और है कि डायरेक्ट आप सेंटर कोड डाल दीजिए, जैसे हमारा सेंटर कोड है 6404, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर टाइप कर दिया 6404, और जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम इस प्रकार से जाएगा और इसकी डिटेल भी जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा हम एक जानकारी आपको दे दें, यदि आप ऑलरेडी डी से पी जी डी से कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। या इसके अलावा भी हमने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आपको जो है सर्टिफिकेट डीसीए और पीजीडीसीए का जो है वो ऑनलाइन कोर्स करके चाहिए, तो उसके लिए आप जो है हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा पूरे पीजीडीसीए और डीसीए का एक साल का, जिसमें दोनों सेमेस्टर रहेंगे, और दोनों सेमेस्टर के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो लेक्चर हैं और उनकी नोट्स में पीडीएफ हमने दी हुई है। तो इस प्रकार से जो है आप पीजीडीसीए, और इसी प्रकार से आप ट्वेल्थ के बाद डीसीए करना चाहते हैं तो डीसीए का भी 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी प्राइस केवल 99 रुपये है, लेकिन ये ऑफर केवल कुछ समय के लिए है। इसकी प्राइस हमने रखी हुई थी लगभग 399 499, लेकिन अभी हमने इसकी प्राइस बिल्कुल कम कर दी है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा सीपीसीटी का कोर्स भी, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स देखना चाहते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का भी आप कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पीजीडी से सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो वो भी आप कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज की लिंक दी हुई है। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आपको आपके मोबाइल में एक ऐप के माध्यम से आप इन पूरे कंटेंट को देख पाओगे। उस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, जिसे आप गूगल के प्ले स्टोर से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जाकर के एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो कि किस प्रकार से आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।